मजाक ही मजाक, मजाक ही मजाक, मजाक ही मजाक। नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। प्रोग्राम मजाक ही मजाक में आप सबको खुश आमदीद। मौजूद नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम मजाक ही मजाक में आज हमारे मेहमान हैं नॉर्थ अमेरिका के मारूफ गुलकार सैम एश। कैसे हैं सैम? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं फयाज भाई? फराजी जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह करम, आपकी दुआएं चाहिए। सैम, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप कनाडा कब तशरीफ लाए? 2003 में आप कनाडा आए। और ये बताइए कि आप इंडिया से आए थे या पाकिस्तान से? मैं अमेरिका से आया था। अमेरिका से आए थे यहाँ, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले पाकिस्तान। तो गया पाकिस्तान पहले, उसके बाद फिर अमेरिका, उसके बाद फिर कनाडा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये बताइए कि आप ने जो ये गाने का जो सिलसिला आपने जो शुरू कर रखा है, तो आप कभी नेट पे हैं, कभी आप स्टेज पे हैं, कभी आप रेडियो पे हैं, तो ये जो सिलसिला है गाने का, ये कब शुरू हुआ? मतलब बचपन से है या कनाडा आकर शुरू हुआ? सर बचपन से लेके 55 तक एंटरटेनमेंट करने का शौक है। अच्छा, पहले एक्टिंग करते थे, फिर डांस करते थे, फिर गाने गाने शुरू किए, तो अब अल्लाह का शुक्र है बस गाने ही गा रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपकी मेरी पहली मुलाकात एक शो के दौरान हुई थी, उस वक्त आप अच्छे खासे परफॉर्मर थे, बल्कि आपने बहुत अच्छा डांस किया था, बल्कि ग्रुप में आप करते थे, बल्कि आपसे बहुत कुछ लोगों ने सीखा है, बल्कि आप सिखाते भी थे डांस, मुझे पता है। फिर आप कहीं दूर चले गए थे मिसागा से, और आप, मेरा ख्याल है आप बेरी की तरफ कहीं चले गए थे अगर मुझे याद है। जी जी, चले गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर उस वक्त बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता था आपसे बात करने का, फिर आपसे कहीं मुलाकात भी हुई, तो हमने कहा बड़ी माशाल्लाह से काफ़ी तरक्की कर गए। अब ये बताइए कि कुछ याद है कि सबसे पहले कौन सा गाना आपने पब्लिक के लिए गाया और रिस्पांस आपको अच्छा मिला, तो आपको पता लगा अच्छा मैं तो गा भी सकता हूँ, कुछ याद है? याद तो है, मगर वो पहला गाना ऐसा गाना है कि पता नहीं टीवी पे अगर मैं बता दूं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए आपके चैनल को? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती, आप शुरू हो जाए, थोड़े से बोल सुनाइए हमारे नाज़रीन को। बेसिकली चले आपको दो लाइनें गा के सुना दें। जरूर। यू तो होती है सासू माँ समान, इसका मैं क्या करूं हे भगवान, मैं सर सर में दर्द किया, मैं नाक 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 में दम किया, सास कमीनी मेरी सास। देखा, मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे अब ये नहीं गवाए पहला गाना। अच्छा, सांसों पे अटैक किया, तो आपकी खैर नहीं। नहीं, अच्छी सांसें भी होती हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं, नहीं, सांसें, मैंने पहली लाइन देखे, यही प्रॉब्लम है। मजाक में जब मैंने गाना रिलीज हुआ तो बड़े मतलब लोग अजीब से कमेंट्स भी दे रहे कि यार ये आपने क्या क्या कह दिया, मगर पहली लाइन ही है कि यूं तो होती है हर सासू माँ समान, कि माँ की तरह होती है, बट एक पर्टिकुलर सास है उस पे अटैक किया, सब एक जैसे नहीं। हादसाती तौर पे कहीं कुछ हो जाए तो उसको हम इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने किसको गाया? मतलब उसके बाद आप, चलिए सास को तो मसला आपने हल कर दिया। मसला हल कर दिया। अच्छा, अम्मा के ऊपर कुछ कहा हो तो? नहीं, अम्मा के ऊपर नहीं, फिर मॉडल्स के ऊपर। हाँ, मॉडल्स पे सुनाइए। वो बेसिकली हम लोग सास कमीनी की शूट ही कर रहे थे, तो उसी वक्त हमारी मॉडल ने बोला कि यार माशूक पे लोग गाते हैं, माँ पे गाते हैं, बाप पे गाते हैं, अब तुमने सास पे भी गा दिया, जरूर, तो मॉडल्स पे कौन गाएगा? जरूर। तो उसी वक्त गिटार लेके बस ऐसी तफरी शुरू कर दिया। यूं था जी। वीडियो की मॉडल मेरे, वीडियो की मॉडल, वीडियो की मॉडल मेरे, वीडियो की मॉडल, तुझको घुमाऊ लंदन पेरिस लेके जाऊ, शूट के बहाने तेरी सैर कराऊं मेरे भी। क्या बात है। अच्छा, तो गोया आप लिखते भी खुद हैं और गाते भी खुद हैं, और आपने धुन भी खुद बनाई है, ऐसा कुछ है? जी, ये गाने मेरे अपने लिखे हुए, खुद धुन भी मैंने ही बनाई है। अच्छा। धुन में मेरे पार्टनर, मतलब जाहिर सी बात है हमारी टीम है, टीम पूरी है जो काम करती है, बिल्कुल। उसमें मेरे साथ इन गानों में मुबशर आडवाणी थे, जो कोक स्टूडियो में कीबोर्डिस्ट भी रह चुके हैं। जी जी जी। वकी अजीम है जिसने वीडियो की मॉडल में मेरे साथ काम किया। तो हर गाने का जॉनर अलग अलग होता है, और जो स्टाइल का जो गाना होता है, फिर मैं उस म्यूजिशियन के साथ बैठ के उस स्टाइल का फिर गाना मैं बनाता हूँ। अच्छा, तो कोई किसी और का भी गाते हैं या सिर्फ अपना ही गाते हैं आप? मोस्टली अपना ही गाता हूँ सर। तो मतलब अगर कोई और कुछ आपने लिखा हो और गाया, तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता कोई डिफरेंट सुनाइए। जी जी जी।
बेसिकली मेरा जो पहला हिट जो हुआ था, जो लोगों को पसंद आया था बहुत, जो वर्ल्ड वाइड रिलीज भी हुआ था, वो था टोरंटो के मुंडे, क्योंकि मैं टोरंटो से बिलोंग करता हूँ। वो क्या है, सुनाइए थोड़ा सा। वो सुनाए यारा ने पाड़ी अज तेरे लिए सजाई, चक्की तू अड्डी पै गई फ्लोर ते दुहाई, विस्की तो वध तेरी अख दा इशारा, बल्लो टोरंटो दे मुंडे नी करते शोधाई, यारा ने पाड़ी अज तेरे लिए सजाई, टोरंटो दे मुंडे नी तू करते शोधाई। क्या बात है सैम, आपने मुझे बड़ा यानी कि इंस्पायर किया है अपनी उन बातों से जो आपने एक यानी कि इनफरादियत अपने अंदर पैदा की। लेकिन आपसे बात होती रहेगी, हम आपका ही का गाया हुआ एक गाना दिखाते हैं सब लोगों को, आइए देखते हैं सब मिलके। अच्छा सैम ऐश, मुझे ये बताइए कि इंडिया में इतने महान सिंगर्स हैं, तो किस कौन आपको पसंद है और इसकी वजह क्या है? सिंगर सारे ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जब जब भी वो आर्टिस्ट हैं, हर आर्टिस्ट की अपनी रिस्पेक्ट है। मेरे फ्रेंड्स बहुत सी बार मुझे कहते हैं कि मुझे भी बड़ा पसंद है वो आर्टिस्ट सुखविंदर सिंह, इंडिया का। क्या, बहुत क्या अच्छा, नाम लिया आपने? सुखविंदर सिंह। हाँ, अच्छा सुखविंदर सिंह हो गया। अब क्योंकि मैं हिप हॉप करता हूँ, पंजाबी कमर्शियल म्यूजिक करता हूँ, मुझे हनी सिंह भी पसंद, सिंह सारे आ जाते हैं। तो उन्होंने तो बहुत से गाने गाए होंगे, तो कोई एक गाना हमारे नाज़रीन के लिए हो जाए इसका, थोड़े से हनी सिंह है, सुखविंदर का, सुखविंदर की आपने बात की है। ऐसा गाना सुना दे जिसमें सभी मिक्स हो, मेडली सुना दें। मेडली सुना दें आपको? चले मेडली में आपको एक छोटी सी अभी ऑन द स्पॉट बनाते हैं। चले ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं हनी सिंह से। क्योंकि अच्छा, हमने पाकिस्तान के आर्टिस्ट की बात नहीं की, इंडिया का आपने पूछा, पाकिस्तान बाद में बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे ना, बट मैं इस मेडली में हमारी ग्रेजुअली चलते हैं ना। जी चले, ठीक है ठीक है। कुड़िए ने तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे, कुड़िए ने तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे, कोई कम उत्ते जावेंगा रोटी पानी खावेंगा, गोरी गोरी कुड़ियां नू जोनू लावेंगा, कम उत्ते जावेंगा रोटी पानी खावेंगा, गोरी गोरी कुड़ियां नू जोनू लावेंगा, कुड़िए ने तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए मैं जबानों से अल्लाह, अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह, अल्लाह बचाए सजना आ भी जा, सजना आ भी जा, कुड़ियन तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे। जबरदस्त लेकिन ये सारे पंजाबी में है, कोई ऐसा गाना जिसमें अल्लाह बचाए? अच्छा चलें आई है इसमें चलें थोड़े से और कोई ऐसे मिलते जुलते इसी तरह का कोई फोक कोई हो जाए। फोक सॉन्ग? हाँ ये तो आपने बड़ा मुश्किल है, फोक सॉन्ग गाना आसानी लोग अटेम्प्ट अच्छा। कर लेते हैं, गा लेते हैं, मगर चलें मैं अगर आप कहती हैं तो मैं थोड़ा सा एक दिल से। हाँ नहीं बताइए ना कि आप में और मजीद क्या क्या आप टैलेंट है। हमद है ठीक है, कोई ये जमीन जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। हम में तो आपने कमाल ही कर दी है, ठीक है। तो हमारे नाज़रीन मजीद सुनना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप बस गाते ही चले जाएं, एक और हो जाए, एक और हो जाए जी। चलें एक हमारा बड़ा मतलब हर इवेंट में जब भी जाते हैं तो ये अच्छा। गाना लाजमी गाना होता है पब्लिक को उठाने के लिए, और मैं खुद करण पाक का मुरीद हूँ तो जी बिल्कुल बिल्कुल। हो लाल मेरी पत रखियो पला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा
सेवन दास की शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नम हो लाल मेरी हो लाल मेरी। क्या बात, क्या जबरदस्त। ये गाना तो हर महफिल की जान है, महफिल को लूट लेता है ये गाना। इस गाने के बजाय कोई भी हर शो अधूरा है। जी जी बिल्कुल। सैम आपसे बातें होती रहेंगे। नाजरीन देखते हैं सैम ही का गाया हुआ खूबसूरत सा गीत। हाँ सैम, ये बताइए कि हम जैसे कहते हैं कि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है ना, हम चाहे पाकिस्तान से हों, चाहे इंडिया से हों, चाहे श्रीलंका से हों, चाहे बांग्लादेश से हों, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, वो कहीं का भी गा सकता है। अगर आपसे मैं कहूँ कि पाकिस्तान में आपको कौन पसंद है गाने वाले, तो आप किसका नाम लेंगे? पाकिस्तान में नुसरत फतेह खान साहब मेरे फेवरेट हैं, और रैपर और ये हिप हॉप आर्टिस्ट तो अभी बनाऊँ, ठीक, बाकी जब काम स्टार्ट किया था तो इवन रॉक म्यूजिक में हम लोग खान साहब को गाते हैं। वहीं से शुरू करते हैं, वो तो एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ से भी आप शुरू कीजिएगा आप पहुँचेंगे वहीं। किताब तो बिल्कुल किताब है। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे कि उनको आप किस तरह से गाते हैं, उनका किस तरीके से आप मुझे ये बताएं फयाज साहब एंड फराह भाजी कि आपको नसर अली खान साहब का कौन सा गाना पसंद है, किस तरह? अरे आप जो सुना देंगे हमें पसंद। मुझे सारे बहुत पसंद है। सुनाइए आप। मैं वे तेरे बाजू दिल दिया मैरम वे तेरे बाजू दिल दिया मैरम वे साड़ा जूड़ा नेड़े बजदा है तेरे बाजू दिल दिया मैरम वे साड़ा जूड़ा नेड़े बजदा है मेरे लूलू विच मेरी नस नस विच मेरे लूलू विच मेरी नस नस विच तेरी याद से तुम्बा बजदा है आजा अखियां उड़ीक दिया दिल वज मारदा अखियां उड़ीक दिया दिल वज मारदा आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया। खान साहब पर खान साहब है ना, क्या बात, पकड़ के उनका गाना गाना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं तनवीर बदर, उनसे मेरी मुलाकात हुई मार्कम फेयर ग्राउंड में, तो उनकी सीरीज बिक रही थी उनके फॉरन माउथ के बाद, तो वो आए वो कहने लगे खान साहब बहुत जल्दी चले गए। सही है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने उनके साथ जाना था। तो वो बहुत परेशान हो गए, कहने लगे मैं फयाज भाई आप आर्टिस्ट अच्छे बड़ा अच्छा बंदा है तनवीर बदर, मैं बहुत अच्छी जानता हूँ मैं आप। तो जिस अंदाज में उसने कहा था इतना गम में निढाल था, तो मैंने कहा जरा गम से उसको बाहर निकालूं, बहुत किसी मरने वाले के साथ तो हम मरते हाँ। नहीं है ना, हम उनको याद करते हैं, जैसे अभी आपने हम उन्हें जिंदा रखते हैं। क्या बात है। फनकार देखिए, मैं अक्सर आपने देखा होगा स्टेज पे मैं आर्टिस्टों को अनाउंस इसी तरह करता हूँ कि जैसे मर गए तरह नूरजहाँ आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनका फन आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा, और जो फनकार उनको जिंदा रखते हैं वो भी बहुत महान होते हैं। बहुत बड़ा नाम लिया है जी नूरजहाँ, लेकिन आप तो उनको गा नहीं सकेंगे इसलिए मैं सर मैं क्या नूरजा तो करेंगे, हिम्मत करेंगे, कोशिश कर सकते हैं। सुनाइए। नुसरत फतेह खान साहब को गवा दिया तो नूरजा वहां पहुंच ही गए, तो प्लीज उनकी रूह खुश होगी अगर आप सुनाएंगे। वे सोने दिया कंगना वे सौदा एक जिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा एक जिया। क्या बात। दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की थी उस वक्त एक तकरीब में, भरा भी मुझे याद आ रहा है। आपने गुलाम अली साहब जो हैं उनको कैसे हम छोड़ सकते हैं, गुलाम अली साहब का कुछ थोड़ा सा। गुलाम अली साहब वो बड़े हमारे जो है ना ठहरे हुए आर्टिस्ट हैं, जो प्यार से मतलब बात भी करेंगे तो वो ऐसे ही करेंगे थोड़ी क्या बात, क्या बात। उनका गाना सुनाने की जरूरत नहीं आपको, ये स्टाइल है उनका। तो ये जैसे हमारे बहुत बड़े महान सिंगर हैं मेहदी हसन साहब, आप उनको नहीं कभी टच करते, जैसे मेहदी हसन साहब का एक बड़ा अच्छा है कि अगर आप उनको गाएं जैसे 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल उसका दुनिया में मिलेगा
तुझको फल आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल, कितना अच्छा मैसेज है। तो उनके अपना एक अंदाज है। बहरहाल सैम आपसे बात होती रहेगी, लेकिन अभी आपको आप ही का गाया हुआ एक खूबसूरत सा नगमा सुनाते हैं, देखते हैं सब मिलके। सैम ऐश, बहुत बड़ा नाम म्यूजिक में आपका, आप ये बताइए कि आपकी अपनी सीडी या वीडियो ऑडियो कोई चीज रिलीज हुई है? आप मुझे ये बताएं कि आजकल आप सीडी खरीदते हैं? नहीं, कम ही होते हैं, मोस्टली MP3 नेट पे मिल जाते हैं। तो सीडी निकालने का जो है ना आजकल का ट्रेंड खत्म हो गया, बट फिर क्या है, ऑनलाइन ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप गाने डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ हर जगह मेरे तकरीबन 8 गाने अवेलेबल है। अच्छा, मीडिया बहुत आगे चला, मीडिया बहुत आगे निकल गया। अब तो iTunes, Spotify, ये सावन, बॉलीवुड हंगामा, इस तरह की ऐप से ही लोग सुन लेते हैं गाने। तो उसमें सब हर जगह माशाल्लाह से हैं गाने। तो सीडी में स्पेसिफिकली कोई मतलब सीडी बना के निकाली नहीं, क्योंकि मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करता, वो पुरानी हो गई चीज। हाँ, लेकिन आपके अपने गाए हुए गीतों में से कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है? मुझे मेरे गाए हुए ज़ाती तौर पे आपको पसंद है? मैं आपको चलें आपको एक गाना सुनाता हूँ जो कि अभी रिलीज, उसकी वीडियो होने वाली है, अभी वीडियो शूट में ऑडियो रिलीज हो गई, आप सर्च कर सकते हैं। गाने का नाम है कैसी सजा, आप कहीं भी गूगल पे जाके सर्च कैसी सजा बाय सैम ऐश। तो थोड़ा सा वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर का गाना है जो मैं नॉर्मली गाता हूँ, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा रॉक और थोड़ा सा कोशिश कर आपको थोड़ा सा सुना देना। तनहा तनहा जीता रहा हूँ मैं, गम सार सहता रहा हूँ, तोड़ा जो तूने ये दिल इस तरह से के टुकड़े ही चुनता रहा हूँ, थम सी गई रात मेरी आने लगी याद तेरी, थम सी गई रात मेरी आने लगी याद तेरी, रुके ना दर्द तूने जो दिया कैसी सजा, ये कैसी सजा, ना मौत आ रही ना चैन मिल रहा। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपका अपना एक स्टाइल है और आप इसमें बहुत वो नजर आते हैं, लोग पसंद करते हैं। तो जब आप ये गाने गा रहे होते हैं प्रोग्राम्स में स्टेज पर, तो लोगों की फीडबैक जो मिलती है आपको, वो कैसा लगता है आपको? मेरा मजे की बात है, जब मैं स्टेज पे प्रोग्राम्स करता हूँ, मैं सारी ऑडियंस की टेक केयर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो अंकल आंटी हो, यूथ ऑडियंस, यूथ होगा तो फिर मैं रैप कर लूंगा ताकि उनको रैप हिप हॉप इस तरह गाने पसंद है। कुछ लोग जो है वो जैसे हम, आपको पता है फयाज भाई, हमारे शो में मेजर टाइप के लोग आके बैठ जाते हैं, वो आर्मी वाले यूं वैसे यूं, हाँ जी कुछ सुनाइए जो थोड़ा अच्छा। उस तरह का उनके लिए फिर ये ऐसा कैसी सजा वाले सॉन्ग वो भी ठंडे हो जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है। लेकिन मेल या फीमेल्स कौन से जो ऑडियंस है आपको ज्यादा पसंद करती है? ये फीमेल्स की बात पे आ जाए, चलें जरा ये बताइए, खुल कर बताएं। ईमेल पे पसंद करते हैं सारे। अच्छा, वो ईमेल पे ज्यादा, ईमेल पे सब पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है, आप बताना नहीं चाह रहे ईमेल नहीं, ऑडियंस देखें चाहे मेल हो फीमेल हो, हम कोई सेक्सुअल वो थोड़ी है, अपना सेक्सिस्ट थोड़ी है कि हम बोले कि नहीं फीमेल ही पसंद करे। अच्छा एक बात मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आती कि जो गाना है, गाना गाते वक्त या गाना जो इंसान, ये टैलेंट जो है इंसान के अंदर होता है कि बाद में आता है, सीखने से आता है? कुछ लोग आप सीख भी सकते हैं गाना, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी चीज अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो वो आप वहां पे पहुंच ही जाते हैं। मेरा तो ये है कि मैं बचपन से सिर्फ गाने का शौक नहीं है, मैं एक एंटरटेनर हूँ। अच्छा, तो, अच्छा जी, मैंने पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम किया, मैं नाम नहीं ले सकता अभी ऑन है, अच्छा, एज अ चाइल्ड एक्टर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो मैं स्टेज पे एक्टिंग करता था, डांसिंग करता था, फिर जब यहाँ पर आया तो मैं यंग अपनी टीन एज में फयाज भाई के साथ भी इनके शो में भी डांस करता था। उसके बाद मैंने स्ट्रीट मैजिक किया हुआ है, लाइक यू नो आई जस्ट लव एंटरटेनिंग पीपल। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की भी है इंग्लिश में, उर्दू में, फिर उसके बाद अब ये गानों का सिलसिला शुरू हुआ। तो बस, तो इतने सारे काम आपने किए हैं, आपको सबसे ज्यादा काम कौन सा पसंद है? मुझे इन सब कामों में एक चीज कॉमन है कि आप जो है ना लोगों को एंटरटेन करते हैं, आप उनको उनकी जो सैडनेस है ना वो भुला के कुछ उनके दिमाग में नया डालते हैं कि नहीं यार
कॉमेडी भी करते हैं ना? हम सब सब करते हैं, थोड़ा बहुत जोक अराउंड भी करते हैं, अच्छा। स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं हम लोग, स्ट्रीट मैजिक भी करते हैं, लाइक स्ट्रीट पे चलाएंगे टोरंटो की कैमरा लेके और लोगों को जो है ना ट्रिक्स दिखाएंगे, कार ट्रिक दिखाएंगे, चीजें हवा में उड़ाना, ये वो है। ठीक है, पब्लिक इस तरह चाहती है, पब्लिक चाहती है एंटरटेन होना, क्योंकि पब्लिक बहुत डिप्रेस्ड है आजकल के जमाने में, बहुत डिप्रेस्ड हो गई। सही कहा ये आपने। अच्छा ये बताइए कि घर की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट है, घर में कौन पसंद करता है आपको? अब सब पसंद करते हैं। स्टार्टिंग में मेरी अम्मी थी, उनके अलावा कोई मेरी सपोर्ट में नहीं था। अब्बू से तो मार पड़ती होगी। नहीं नहीं, अब कहाँ जा रहे हो, किस लाइन की तरफ जा रहे हो? मैं पाकिस्तान में कराची से, मैं मेमन हूँ ना। अच्छा। तो मेमन लोगों का थोड़ा एक वो होता है कि नहीं बिजनेस करो जी, स्टोर खोलो, बिजनेस करो, ये काम करो, वो करो, ये क्या एंटरटेनमेंट में कुछ नहीं रखा। तो डैडी थोड़े से उस चीज में स्ट्रिक्ट है, मगर अम्मी ने बहुत हेल्प की स्टार्टिंग में। जब मुझे याद है, मैं फयाज भाई के पहले आज से 13 साल पहले अम्मी मॉम के साथ ही आया था रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा। तो शुरू से मॉम की हमेशा सपोर्ट थी, मगर अब क्योंकि डैडी को उनके दोस्त इंडिया से, उनके इंडिया में भी फ्रेंड सर्कल है, तो वो सारे फोन यार ये आर्टिस्ट है, ये तुम्हारा बेटा है, ये तो वो भी खुश होते हैं, वो भी खुश होते, घर वाले भी, वो जब से चंडीगढ़ जाके आया तो उसके बाद तो और बहुत अच्छी और मजे की बातें बताई आपने सैम, आपसे बातें होती रहेंगी। तो आइए देखते हैं सैम ही का गाया हुआ खूबसूरत सा गाना। पाकिस्तान में आपको सुना, इंडिया को भी सुना। मुझे पाकिस्तान में मेहदी हसन बहुत पसंद है, जो आपको मैंने थोड़ा सा गुनगुना के भी सुनाया। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं सुनाता हूँ ऐसे ही शौक पूरा करता हूँ। आप बड़े आर्टिस्ट हैं सर। नहीं नहीं नहीं, मजाक, मैंने देखा आपको, आप बड़े छुपे रुस्तम। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। उसके बाद अब रहा कि इंडिया में मुझे जगजीत बहुत पसंद है, तो मैं जगजीत साहब के थोड़े से बोल सुनाऊंगा, उसके बाद आपको पूरा हक होगा कि आप उनकी कोई सी भी गजल या कोई सी भी गीत सुनाइए। मैं जगजीत सिंह सुनाऊंगा अब आपको। चलिए कोई नहीं, देखिए ना आप कोशिश करें भैया, मैं भी तो कोशिश करता हूं। मैं समझ गया हूं, आपने आज मेरी ना पूरी निचोड़ना चाहिए था कि क्या क्या निकाल सकते। जगजीत साहब का बड़ा अच्छा सा प्यारा है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब आपकी बारी, आपका ख्याल पूरा हो गया, ख्याल आ गया पूरा पक्का। हाँ तो अब ये हम थोड़ी जगजीत सिंह ने दो ऐसी दो तीन लाइनें आपको जरूर। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत प्यारा। वो लोग वो उस्ताद लोग हैं, उनको गाना हर एक के बस में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। आपका एक बहुत ही खूबसूरत रैप है जिसको सुनने के लिए बहुत बेचैन। सर मैं हूँ ही रैप आर्टिस्ट, मैं रैप ही करता हूँ सर, ये आपने मुझे क्या क्या गवा दिया आज। बात नहीं, आर्टिस्ट मल्टी टैलेंटेड होता है, उसको तो सब कुछ करना होता है। रैप सुनाइए, पंजाबी सुनेंगे और उर्दू जो सुनाइए आपको जो अच्छा लगे। चले थोड़ा सा मिक्स कर दे, मिक्स कर देते ताकि वो उर्दू। ये मेरे नए गाने का रैप है, ये भी रिलीज हुआ, मेरा एक दोस्त है अली नूर, उसके साथ मैंने मिलकर ये गाना किया चक ग्लासी, उसमें मैंने रैप किया थोड़ा हिंदी पंजाबी में। सबको लेके चलना है, सबको लेके चलना है, और उसको भी आपने बुलाना है अली को यहाँ पे जरूर। जरूर कहती हत नरो को पीनी है, चांद तेरी मुझे लेनी है, देख के बेबी चौक जाएगी, जो शायद तुझको देनी है, दिल दिया बदनाम न कर, चर्चे ऐमी आम न कर, तेरे मम्मा पप्पा रूट जाएंगे, बेबी ऐसे काम न कर, तब तू रोची आती है, साथ सहेली रहती है, बस आज रात की पार्टी बेबी, बाद में तेरी मेरी काटी है, किसी का झूठा जहर चकूना, सुनी सुनाए बात कहूं ना, इतनी तू ऑक्सीजन नहीं है,
तेरे बिन जो रह सकूं ना। क्या बात है, मुझे समझ नहीं लगी। कोई बात नहीं, रैप ऐसा ही होता है, अगर आपको अच्छा? समझ आएगा तो रैप नहीं है। मजा आ गया वैसे, समझ नहीं लगी, मजा आ गया। अगर रैप तो कहेंगी हक ना रोको पीनी है, जान तेरी मुझे लेनी है, देख के बेबी चौक जाएगी, जो शायद तुझको देनी है, दिल दिया बदनाम ना कर, चर्चे ऐवी आम ना कर, तेरे मम्मा पप्पा रूठ जाएंगे, बेबी ऐसे काम ना कर। अब समझ आ गया सैम, आपके तमाम जो जो अंदर जो चीजें छुपी हुई थी उसको हमने बाहर निकालने की कोशिश की। आपने काफी छुपाई है वैसे, और ये कि आपसे जो है बात होती रहेगी और हम सुनते रहेंगे और वक्त गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। टाइम जो होता है हमारे प्रोग्राम का वो बहुत लिमिटेड होता है, उसमें हमने इतना कुछ कर लिया। तो आखिर में आपसे मैं चाहूँगा कि कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को देना चाहें, तो एज एन आर्टिस्ट आप क्या पैगाम देना चाहेंगे तो ज़रूर दीजिए। ज़रूर ज़रूर, मैं हर शो जहाँ पर भी इंटरव्यू करता हूँ एक ही पैगाम देता हूँ। मी एज एन आर्टिस्ट, मैंने बहुत मेहनत की है, और क्योंकि मुझे पता था मैं कर सकता हूँ, मैं अपने आप पर बिलीव करता था, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ थी, मैंने किया और आज आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरे दोस्तों, जिसमें भी जो भी टैलेंट है, चाहे आप सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, चाहे आप किसी भी किस्म का टैलेंट हो, जो आपको करना है उस पर फोकस करो, इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। किसी के फोर्स में आके आप अपना टैलेंट नहीं गंवाना कभी भी, आगे बढ़ते रहो, अपने आप को प्रमोट करते रहो जितना आप कर सकते हो। जहाँ आपको हेल्प चाहिए, नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल गया है। एज अ प्रमोटर इवन हेल्प यू गाइस, जिसको जो किस्म की हेल्प चाहिए, एज अ मीडिया पर्सन मैं हूँ, फयाज भाई हैं, इतने गुणी लोग हैं प्रमोट करने के लिए, तो आप आगे बढ़ें और अपना अच्छा काम करें और हमारे लोगों का नाम रोशन करें। क्या बात है, बेहतरीन। सैम, आपका जो पैगाम था वो लोगों तक पहुँच गया, आपका फन भी लोगों तक पहुँच गया। मुझे उम्मीद है कि SSTV के देखने वाले आपको सुनकर और ज़रूर आपको फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि आप में इतना, आप इतने गुणी आदमी हैं और आप में इतना टैलेंट है और इसको बढ़ाइए, और ये आपको सपोर्ट भी करेंगे। ये वो लोग हैं जो आपको पता है कि कंधे पे बैठा के, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे कंधे पे चढ़ के अगर मंजिल पा सको तो पालो। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में अपनी मसरूफ तरीन ज़िंदगी से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बेहद शुक्रिया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फयाज भाई, फराबा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और SSTV का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोग के साथ बैठ के अपने फन को दिखा सकूँ। सैम, आखिर में एक बार हम सबकी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मच। मौजूद नाज़रीन, आपने सैम ऐश की खूबसूरत बातें और मुफीद मशवरे भी सुने, और अब आखिर में ये शेर कि सैम से मिलिए, सैम को सुनिए किस तरह गाते हैं ये, सैम से मिलिए, सैम को सुनिए किस तरह गाते हैं ये, जब किसी महफिल में जाते हैं तो छा जाते हैं ये। और इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम मजाकी मजाक में का वक्त अब खत्म होता है। जिंदगी बाखैर रही तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए फैयाज हैदर और फरादीबा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मजाक ही मजाक, मजाक ही मजाक, मजाक ही मजाक। मजाक ही मजाक, मजाक ही मजाक, मजाक ही मजाक।